लोग करते दान है, अजी बाबा तो कीजिए। कि मंदिर में लोग करते दान है और ये ही हमारी फैमिली के सलमान खान है। क्या बात है, लड़की वाले लड़के वाले लड़के वाले लड़के वाले। इनका डांस हो ही कि बच्चों को चाहिए गोदी है, अजी बाबा तो कीजिए। कि बच्चों को चाहिए गोदी है, और जरा ध्यान से देखिए, यही फैमिली के नरेंद्र मोदी है। सर मजा आ गया। और बड़े चुपचाप रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो लड़के वालों ने दहाड़ा बोल दिया है। पहले मुझे ये बताइए, यहाँ लड़की वाले कहाँ बैठे हैं? थोड़ा चिल्ला के दिखाएंगे, चिल्ला के दिखाएंगे। तो दोस्तों, कितने लोग शालू को देखने जाते हैं, वो थोड़ा चिल्ला के दिखाएंगे। और कितने लोग हरी को देखना चाहते हैं, वो थोड़ा चिल्ला के दिखाएंगे। अपने परिवार के लिए जो जान दे दे वो है सच्चे मारवाड़ी। एवं मारवाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। सो दोस्तों, कि फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर ये है। आइए तो दोस्तों, शाम सच चुकी है, आप और मैं माहौल में है, और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि लड़के वाले भी फुल ऑन माहौल में है। ओके, तो करना क्या है, मैं 10 बोलूंगा आपको 10 बोलना है, मैं 9 बोलूंगा आपको 9 बोलना है, और 1 के साथ हमारे स्टार कपल की तैयारी एंट्री होगी। और जो नहीं बोलेंगे उन्हें अनिल जी ने कहा है लूज मोशन लग जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप सभी को मेरे साथ काउंट डाउन करना है टू वेलकम द स्टार कपल ऑफ द नाइट। तेरी बन जाना आज तो सजना। सेकंड के लिए जरा स्टेज पर आएंगे। ओह माय गॉड, एक चीज बोलूं शालू दिल से, कि जब मैं बैक स्टेज था तो जो मेरे मैनेजर है जो सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला गिरीश भाई आप यकीन मानिए आज की ब्राइड इतनी खूबसूरत है कि आप सोनम कपूर का जो संगीत आपने होस्ट किया उसको भूल जाएंगे। तो पहले हमारी ब्राइड की खूबसूरती के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, यकीन मानिए आज हरी को देख के मुझे शहीद भगत सिंह की याद आ रही है। तो ये अभी नहीं है, मेरे को भी याद है, शायद भी है। सो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, भागना है तो भाग सकते हो। नहीं, डिसाइड कर लिया? यस। ओह यस, अंग्रेजी में। हाँ, सो मैं ये चाहता हूँ, अच्छी लगती है आपको ये? किसी को सुनाई नहीं दिया, अच्छी लगती है आपको? हाँ बहुत। क्या बात है, ओह माय गॉड। ओके, तो मैं चाहता हूँ इनकी आंखों में आंखें डाल के, जिसपे मैक का इतना महंगा वाला काजल लगा हुआ है, जरा आप बोली दीजिए कि तुम कहो क्या लचक आवाज में। तो सोने का हार ला दूं। इनको देखना, आप उधर वाली को देख रहे हो, वो उस वाली को, वो जो वहां पे गांव में खड़ी है, वो उसको नहीं, इनको देखना है। तुम कहो तो किशनगढ़ का अचार ला दो। तो किशनगढ़ का अचार एक बार हाँ कर दो, तुम्हारे जैसी दो चार ला दो। दोस्तों, पहले वो लोग चिल्ला के दिखाएंगे जिनको लगता है कि हरी लकी है कि उन्हें शालू जैसी लाइफ पार्टनर मिली है, और वो लोग चिल्ला के दिखाएंगे जिनको लगता है कि शालू लकी है क्योंकि आपसे ज्यादा कि आपका साला आपको प्यार करता है। महिम से थोड़ा बच के रहना फिर आप। हाँ, एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां, बहुत बधाइयां, ह्यूज कांग्रेचुलेशन, एंड वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो आई रिक्वेस्ट द ब्राइड एंड ग्रूम टू प्लीज बी सीटेड, और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए म्यूजिक। ब्राइड के दादाजी हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं दादाजी? क्या बात है, दिन कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ पूरा परिवार एक बार दादाजी के लिए हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। दादाजी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे इंटरनेट, मैं आपका डेटा, आप लगते मेरे खुद के दादा जैसा है, मैं आपका बेटा। तो एक बार दादाजी के लिए जोरदार तालियां। और आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे,
आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जहां जाते हैं वही स्वर्ग बना देते हैं। दोस्तों सब लोग यहां पर तैयार होके आए हैं, लेकिन आप सब लोगों में जिनका ड्रेसअप वाकई ऐसा लग रहा है कि अभी अभी एकता कपूर का सीरियल शूट करके आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उषा रोहिदा। उषा जी, लड़की वाले लड़के वाले? लड़की वाले। लड़की वाले। उषा जी की स्माइल देख रहे हैं जरा? आय हाय हाय हाँ, कह रही और स्माइल करके दिखाऊंगी आपको। सो उषा जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। अजी वाबा तो कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने ही वाला था, आप फिर से मुस्कुरा दिए। लेकिन इनसे ज्यादा ये खुश हो रहे शायद। आई लव यू। नहीं, इनको बोलिए जरा, आपकी नजरों से, आपकी नजरों से नजरें मिलाने को जी चाहता है, मिलाने को जी चाहता है, पर क्या करें, क्या करें ये कम्बख्त। नहीं, पहले आगे की लाइन बोलिए तब मैं बोलूंगी। ये कम्बख्त चश्मा बीच में आ जाता है। मैं तो देखिए दो लाइन ही बोलती हूँ आपको इनके लिए। हम हैं, भागवत है, हम हैं तो आप हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे में पैसे वेस्ट कर दिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। परिवार तो ऑलरेडी तैयार है, बहुत बधाइयाँ। दोस्तों माहौल बन चुका है, एक छोटी सी गुजारिश है कि फैमिली अब डांस परफॉर्मेंसेस करने वाली है। इनको जेल का मतलब पता हो गया हाँ? और आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे भी 30 साल। आपको भी 30 हुए? व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये अच्छी लगते हैं आपको? एकदम। ओह, आवाज अमिताभ बच्चन जैसी है। हाँ, तो जरा इनको देख के बोली देवर, हमारा फेवरेट डायलॉग है पूरे इंडिया में चलता है कि सलमान को कैटरीना पसंद है। सलमान को कैटरीना पसंद है। आवाज बिल्कुल गालिब की तरह बोल रहे हैं आप। हाँ, सैफ को करीना पसंद है।
सैफ को करीना पसंद है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सुधा। एक सेकंड, सेट लाइन स्टार्ट सुधी सेकंड, इतनी जल्दी नहीं सुधा जी, इधर देखना, दूसरा वाला देखो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत पसंद है, सुधा पसंद। देखिए मजाक की बात तो अलग है पर कहत है कि ना नाप के दिया ना तोल के दिया, मेरे मम्मी पापा ने जब भी दिया दिल खोल के दिया। एक बार दिल खोल के जोरदार तालियां और दिल खोल के बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुक्रिया। ईका हम अपना गुला में वापस जावर पर हमारी सिस्टर आकांक्षा और उनके साथ हमारी छोटी सी इनाया आवत, तो उनके लिए जरा शोर तो मचावा। तू ही रे मेरी खुशियां तू ही रे। आपको कुछ लग रहा है क्या? नहीं नहीं, इनके बीच में मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे लग करके दोनों शुरू हो गए। एक सेकेंड, क्या नाम है आपका? आशीष। ये भी उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। आपकी दाढ़ी ऐसी है जैसे अभी नर्सरी क्लास में पढ़ाई कर रही होगी। हाँ सर, राजी जरा सांस लीजिए। ये क्या राजी, आप में तो प्रोटीन की बहुत कमी है। हाँ जी बिल्कुल, जरा एक सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? हर्ष। लड़की वाले लड़के वाले? लड़की वाले। हैदराबादी। अच्छा हैदराबाद रहते हैं, अच्छा ओके। मैंने पूछा था क्या लगते हैं, इन्होंने सुन लिया क्या कहाँ रहते हैं, बट अच्छा ओके। हाँ थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा खांसी किसको हो रही है भाई साहब? यहाँ पर कोविड का टेस्ट करवा रखा आपने प्लीज़? हाँ ओके। हाँ थोड़ा और तेज सांस लीजिए, आपको तो सांस ही नहीं आ रहा है, सॉरी मैंने कान भी नहीं लगाया। ये क्या, आपको तो आराम की बहुत ज़रूरत है, बहुत आराम की ज़रूरत है। मैं आपको नींद की गोलियां दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला दीजिएगा। सर थैंक यू, एक बार ज़रूरदार ताली हो जानी चाहिए। और शालू, आपको पता है आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करते हैं?
सज्जन पापा भी नहीं, सुधा मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो डांटती रहती है सारे दिन। ने मयंक भी नहीं, आपके संजू मामा। एक बार मामा जी के लिए जरूर कहता हूँ जानी जी, तो कहाँ है हमारे संजू मामा जी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कहते हैं कि खाने में सबसे लजीज पान है, अजी वावत कीजिए कि खाने में सबसे लजीज पान है और संजू जी फैमिली की जान है। संजू जी, हमें पता चला कि अगली परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट आप करने वाले हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एंड ओवर टू मामा जी, थोड़ा शोर तो मचाइए। तो एक बार अगर सासुएं खुश है तो जरा यहाँ पर आएंगी हमारी आपका आशा। आशा जी, जो सासु माँ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है जिंदगी में। आपकी बेटी वहां जा रही है तो जरा उनको बोली दीजिए। जिंदगी में आपकी बेटी वहां जा रही है तो जरा उनको बोली दीजिए कि हरी बेटा मेरी ये ख्वाहिश है। हरी बेटा ये मेरी ख्वाहिश है कि शादी के बाद, कि शादी के बाद तुम और शालू मिलकर एक क्रिकेट टीम तैयार करोगे। सिर्फ दो ही करना, ये पक्की मारवाड़ी है। हाँ, ऑलराइट। सो जरा अब यहाँ पर इनके पास आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? चंचल। ओ माय गॉड, आवाज भी इनके बिल्कुल शीतल। चंचल, चंचल जी के लिए मैंने एक स्पेशली लिख के लाया हूँ क्योंकि मुझे मयंक ने कहा था कि अपने पति को बहुत डरा के रखनी है, बोल दीजिएगा आप। हाँ, तो तुम आप बोली दीजिए जरा हरी को कि छम छम करती चांदनी। हरी ध्यान से सुनो। टिम टिम करते तारे। शालू करेगी आराम। तुम काम करना सारे, बिल्कुल भी नहीं करना। क्या बात है, जरा जोरदार तालियां। आ जाइए जरा यहाँ पर। ऑलराइट, ये वाली नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ पर मम्मी जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हाँ, तो जरा मम्मी जी आप भी बोल दीजिएगा कि शालू सबसे खूबसूरत है। आपको देखिए ऐसा लग रहा है अभी सत्संग शुरू हो गया होगा इतने, और उसके बाद कृष्ण और राधा ऐसे मिले। शालू सबसे खूबसूरत है। इस बात का तुम्हें एहसास है। पर ये मत भूलना हरी, शालू से खूबसूरत तुम्हारी सास है। है कि नहीं है? मम्मी जी का रूप तो आहारे पर जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और आपका नाम क्या? आ जाइए मम्मी जी, आपका नाम क्या है? सीमा। ओ माय गॉड, अंदर ही हूँ बस। वन ऑफ गुड रिप्लाई है, सीमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तो सीमा जी आपका बोलना है कि हरी शादी के बाद कभी भी मुझे सासू माँ कहकर नहीं बुलाओगे। चाची सासू माँ बोल के बुलाओगे? वो भी नहीं बुलाओगे? जरूर बुलाओगे, क्योंकि आज भी मैं 18 साल की दिखती हूँ। एक बार हमारी सीमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और अब ये है हमारी बुआ। हाँ बुआ, कहाँ है इनके वाले? कहाँ है विनोद जी? क्या नाम है इनके वाले का? कहाँ है इनके वाले? हैं जरा हाथ खड़े कर देंगे बस, जहाँ कहीं वहीं पे बैठे हुए। कहाँ है इनके वाले? हाँ सर, आपको भी देख के लगता है कि आप पत्नी पीड़ित समाज से हैं। और मैं आपको बोल दूं, कहते हैं कि सर्दी में चाहिए रजाई है, और जो सारे एक ही दुकान से ठगे जाए वो सारे जमाई है। तो आप इनको सबसे बढ़िया बोल दीजिए कि हरी बेटा शादी के बाद
जब भी तुम्हारा छोटा बड़ा झगड़ा होगा, जब भी तुम्हारा छोटा बड़ा झगड़ा होगा, सबसे पहले सॉरी तुम बोलना। सबसे पहले दोनों एक दूसरे, नहीं नहीं दोनों नहीं, सबसे पहले सॉरी तुम बोलना प्लीज। सबसे पहले सॉरी दोनों एक दूसरे को बोल देना। नहीं तुम बोलना, क्योंकि शालू के फूफा जी भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों पहले ये शालू के फूफा जी ऐसा कभी नहीं करते। वो कुछ और कह रहे। देखिए यही गाना जो मेरा एंट्री का था दोबारा बजेगा। खुश है सारी सासुएं? खुश है कि नहीं है? खुश है। एक बार सासुओं के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, रोटी बेलना सिखाना है। शालू को पहले सिखाया नहीं, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ इनका तो कैरेक्टर छोड़ के एक बार कस के गले लगा दीजिए। इतनी प्यारी बेटी है और इतनी सारी माए हाथ बढ़ा के जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अरे एक बार जरा तो रजाई होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बहुत बधाइयाँ, पर हम यहाँ पर हमारे तीनों चाचाओं से मिलने आए हैं, तो जरा जोरदार तालियों के साथ शंकर जी, सुनील जी, अनिल जी और सज्जन जी जरा यहाँ पर आ जाएंगे। कहीं आप पुरी में तो नहीं थे? तभी है, तभी है, क्योंकि वहाँ बाथरूम के पास एक लड़की को आप छेड़ रहे थे, हमने देखा था। हाँ सच में इनकी है। मैं वहाँ क्या कर रहा था? तो मैं ओ माय गॉड ये नहीं बता सकता। जरा आकाश जरा कन्हैया जरा एक बार, आज हमारे फैमिली में एक नहीं दो नहीं, जरा ये तो वाकई इनके लिए परफेक्ट कैरेक्टर है। पानी पी लो, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अब जो पापा ज्ञान दे रहे हैं वो ग्रह शांति मंत्र है। तो बोल दीजिए कि हरी बेटा, हरी बेटा, घर में सुख शांति रखनी है, घर में सुख शांति रखनी है, तो जब भी घर में घुसो, तो जब भी घर में घुसो, तो मुंह लटका के घुसो, मुस्कुरा के घुसो। क्या बात है जोरदार तालियां। और आप जरा बोली दीजिए कि हरी बेटा, हरी बेटा। ये पक्की बात है, बीवी से बहुत डरते हैं अपनी। पक्की बात है। हाँ कभी भी शालू के सामने, शालू के सामने, शालू के सामने किसी दूसरी की तारीफ मत करना, किसी दूसरी की तारीफ मत करना। छुप छुप के देख सकते हो, छुप छुप के देख सकते हो, क्योंकि क्योंकि शालू के पापा भी देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आहा, ये वाला तो मैं। हाँ हरी जी के लिए एक ही संदेश है, कभी भी बीवी से न उलझे, सब तब उसकी हाँ में हाँ मिलाए, अच्छा और सुखी जीवन बीते। चरण कहा है, चरण कहा है गुरुदेव, चरण कहा है। और मुझे तो नहीं लगता इसके आगे कोई वचन कराने की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा जरा यही म्यूजिक बजेगा। और राइट आपको फॉलो करना है, ठीक है? कोई नचे, नचे, कोई नचे, नचे।
देखिए सिर्फ इनकी वजह से आज मेरा हैदराबाद आना सक्सेसफुल हो गया। मैं सच बोलना चाहता हूं, कहते हैं कि कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब है हमारे बड़े पापा जो हर हाल में खुश है। जोरदार तालियां। शालू, यू आर द लकीएस्ट ब्राइड इन दिस होल वर्ल्ड, जिन्हें ऐसा जॉइंट परिवार मिले उसे और क्या चाहिए। और हरी, दिल से बोल रहा हूं, आपसे बड़ा खुशकिस्मत जवाई मारवाड़ियों को जिंदगी में नहीं मिल सकता। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयां। और ये चुनिया आप यहीं पर रखते क्योंकि मेरे को अगले शो में भी यूज करना है। अब मयंकर गैंगाना शेर पर थोड़ा शोर मचाएंगे। हम छोटे मंदिर के पुजारी हैं। मेरे पुराने जज्बान, बिना दक्षिणा के भाग जाने वाले जज्बान, क्या करें जरा खड़े रहेंगे। ये तो पहले ही हंसने डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है? सुशीलो। सुशीला की तरह हंस रहे हो, जरा सुशील की तरह हाथ दिखाएंगे। ये क्या सुशील जी, बधाई हो, आपके घर में खुशियां आने वाली। ठीक है, लेकिन हम ही बोलना चाहते हैं कि हम छोटे मंदिर से ये बोलने के लिए आए हैं, कितने लोग यहाँ चाची की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं? शाहरुख की चाची की परफॉर्मेंस में थोड़ा चिल्लाएंगे। परिवार ने और दोस्तों ने मिलकर की है। लाखों में दिया खोजने पर भी ऐसा परिवार नहीं मिलता और ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। एक बार हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां हो जाने चाहिए। और आपके सभी दोस्तों के लिए, सारे दोस्त जरा एक सेकंड, जरा समय की कमी है। अच्छा, फोटो वोट जरा बोल दीजिए सज्जन को। ये दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर ये हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सच में इनमें इतनी लचक है ना, मैं लड़की होता तो इनसे शादी कर लेता। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम विजय धीरन। देखिए, इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, हालांकि मुझे मैम ने कहा था कि फीमेल वाले कैरेक्टर नहीं करने, गिरीश भाई यहाँ पर ये है और यहाँ पर पूरा वही माहौल है। मैं सच बोलूं तो हाँ, आपको ये बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है जवान ही गुरु होता है, अजी वाहवा तो कीजिए। कि कौन कहता है जवान ही गुरु होता है, असली प्यार तो 50 के बाद शुरू होता है। एक बार जोरदार तालियां टू ऑल दी फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो।
वैसे तो मुझे हंसी मजाक के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये पल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों कहते हैं कि वो दिल इस दुनिया में एक माँ और बाप का सबसे बड़ा दिल होता है जो कन्यादान करता है। माँ तो फिर भी कह देती है कि बेटी मुझे तेरी याद आएगी, तुम्हारी कमी इस घर में महसूस होगी, लेकिन एक बाप कभी नहीं रोता, कभी नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि बाप को एक पत्थर दिल बन के सामने कठोर बन के रहना पड़ता है कि नहीं ये धर्म है। लेकिन वो चुलबुलाहट, वो पापा से ढेर सारी बातें, वो पॉकेट मनी, वो घूमने के लिए कहना, वो मम्मी कहना नहीं मानती तो सिर्फ पापा से कहना मनवाना, शालू की बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी यादें हैं जो पापा को हमेशा याद आएंगी। तो आज पापा कोई किशोर कुमार नहीं है, कोई मुकेश कुमार नहीं है, लेकिन एक बाप है। और आज ये पापा अपने दिल की बात एक गाने के साथ अपनी बेटी को कहने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार सबकी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए।